सच्चे सतगुरु के बिना नहीं होए यथार्थ ज्ञान जी, नहीं होए यथार्थ ज्ञान जी, नहीं होए यथार्थ ज्ञान जी। की जागड़ते चालता वो भात भरण सुल्तान जी, की जागड़ते चालता वो भात भरण सुल्तान जी, की जागड़ते चालता वो भात भरण सुल्तान जी। भात भरने के लिए सुल्तान चला, मन में ख्याल आया एक से भले दो होते हैं, एक ले कची लग गए कोन्या मन उसका बिचलाया जी, उसका बिचलाया जी, मन उसका बिचलाया जी। फिर चोर गढ़ी का रहने वाला वो जानी चोर बुलाया जी, चोर गढ़ी का रहने वाला जानी चोर बुलाया जी, चोर गढ़ी का रहने वाला जानी चोर बुलाया जी। बताते हैं जानी चोर, एक लाख चोरों के ऊपर सरदार जानी चोर, जगह जगह उसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। आपके नीमराणा में जो बावड़ी है, यहां भी उसके प्रमाण है कि करोड़ों अरबों खरबों का धन इस बावड़ी में भी दाब रखा है। सुल्तान का दोस्त था जानी चोर के, भाई जानी चोर चलो मेरी धर्म की बहान है, भात भरने चलते हैं, मेहरबानो कदे छोड़ना ना चाहिए जो दुश्मन चढ़ जा काबू पे, दुश्मन चढ़ जा काबू पे, दुश्मन चढ़ जा काबू पे। शाम हुई दोनों ने डेरा डाला दरिया आबू पे, शाम हुई दोनों ने डेरा डाला दरिया आबू पे, दोनों दोस्त चलते गए। आज भी जानी चोर चलते 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 शाम हो गई, एक दरिया एक आबू नदी के किनारे जानी चोर और सुल्तान ने डेरा डाल लिया कि सुबह चलेंगे रात को यहां आराम करेंगे। मेहरबानो जानी चोर और नर सुल्तान पूरी रात आराम करते दोनों दोस्त। सुबह हुई और सुबह जानी चोर और नर सुल्तान आबू नदी के अंदर नहाने के लिए बढ़े, और जब नहा के बाहर निकलने लगे एक तख्ती, एक लकड़ी की तख्ती नर सुल्तान के आके टकरा जाती है। तख्ती को पकड़ा, उसमें कुछ लिखा हुआ था, लोगों क्या लिखा हुआ था सुनिए क्या बताया। भाई सुल्तान, कहिए जानी चोर, यो आत्मा के ले रहा है, ये तख्ती है। अच्छा, और इस तख्ती पे ऐसी बात लिखी हुई है, इसको पढ़ के मेरे गात का लहू इतनी तेज चल रहा है शरीर में, मन करता है जिसने ये तख्ती पे बात लिखी है मैं उसकी विपदा को हर दूं। वो कष्ट में है। कष्ट में है? हाँ। लेकिन ऐसा क्या लिखा है इस तख्ती में जो कौन कष्ट में, सारी बात बता खोल कर। अरे तख्ती का मजमून पढ़ा भाई, सोच से बड़ी एक नार महक दे अदली खाकी कैद में पड़ी, तख्ती का मजबून पड़ा एक और सोच से बड़ी नार महक दे अदली खाकी कैद में पड़ी, तख्ती का मजबून पड़ा सोच से बड़ी नार महक दे अदली खाकी कैद
मजमून पढ़िया सोच से बड़ी हाँ। और नार महक दे अदली खां की कैद में पड़ी। एक लड़की कोई नार महक दे है हाँ। देवलगढ़ में एक मुसलमान राजा है अदली खां, और वह इंदुवाणी नार महक दे। उस मुसलमान राजा ने अदली खां ने अपने वश में कर रखी है। इस तख्ती पे लिखा है नार महक दे ने 6 महीने का टाइम लिया है। अगर 6 महीने के अंदर इस तख्ती पे ये लिखा है कि दुनिया में हिंदू जाम कोई छत्री जाम है तो मेरे को आके अदली खां ते छुटा ले, और नाते मैं समझूंगी हिंदू सब मर गए। अरे कला हिंदू धर्म की घटती मारी प्राचीन मर्यादा मिटती, मारी प्राचीन मर्यादा मिटती। अरे दार दार आंसू की न डटती, दार आंसू की न डटती, लागी नैना ते छड़ी। अरे नार महकदे अदली खां की कैद में पड़ी, कपड़ी का मजबूत पड़ा। अरे जिसे बनी नार महकदे अदली खां की कैद में पड़ी, कपड़ी का मजबूत। अरे रोवे अपने धर्म की मारी, रोवे अपने धर्म की मारी, तख्ती पे लिख दी हकीकत सारी, तख्ती पे लिख दी हकीकत सारी। एक हिंदुवा की नारी, हिंदुवा की नारी मुसलमान ने हड़ी, नार महके अदली खां की कैद में पड़ी, कपड़ी का मजबूत पड़ा। सोच से बड़ी नार महके अदली खां की कैद में पड़ी, कपड़ी का मजबूत पड़ा। अरे उठे सो सो मन की जाल, कोई उसका पूरा कर दो सवाल, कोई उसका पूरा कर दो सवाल। और जानी पढ़ कैसा हाल, अरे पढ़ कैसा हाल, बदन में आग सी लड़ी, नार महके अदली खां की कैद में पड़ी, तख्ती का मजबूत पड़ा। जानी सुल्तान मेरी बात सुन भाई, मैंने तेरी सारी बात ध्यान से सुनी, लेकिन पहले तेरा मेन काम यहाँ हम किस लिए आए थे उस काम न पूरा कर। बस उसी बात को सोच के मेरे मन में मलाल है। एक तरफ तो बहन कोई सुखी कोई दुखी जगत में हाँ। किस किस के दुख निर्वाल लेंगे बेटे, तख्ती की बात छोड़ पहले बात भरने चल लेंगे। वाह हाँ। मतलब बात भरने जाऊं इस तख्ती ने छोड़ दूं हाँ। बहुत अच्छी बात करी जानी चोर, तू जानता है छत्रापन क्या होता है? सुख थोड़े दुख घने जगत में, यो तो प्रकृति में न जाने कितने जीव दुखी हैं, कितने आदमी दुखी हैं, सबका ठेका हमने थोड़ी ले रखा है। अरे गुरु लक्ष्मी चंद सांग बनावे, मान सिंह गुरु ने शीश झुकावे, मान सिंह गुरु ने शीश झुकावे। अरे चल उसकी कैद छुटावेंगे, चले उसकी कैद छुटावेंगे, न रोवे की पड़ी नार महके अदली खां की कैद में पड़ी, कपड़ी का मजबूत पड़ा। अरे सोच से बड़ी नार महके अदली खां की कैद में पड़ी, कपड़ी का मजबूत पड़ा। जानी काम हो गए दो, अरे हम मानस है दो, ये तो एक काम हो सकता है, एक काम मैं कर लूं और एक तू कर ले। एक तू कर ले रे, एक मैं कर लूं हाँ। तो एक काम कर फिर, ये जो बात वाला काम है ना यो तो तू कर हाँ। और उसने छुड़वाने वाला काम करूं मैं भी यही सोच रहा था हाँ। क्योंकि
अगर मैं तेरे को भात भरने के लिए भेजू, तेरे को वहां को जानता नहीं, कोई नहीं जानता, ना मैं उसने पाण ने जानता। और अगर उस सत्रानी ने अपना धर्म बदल दिया तो हिंदुआ का बट्टा लाग जाएगा। एक काम कर, भात भरने तो मैं जाता हूं और तू नार महक तो छुटवान जा। मन ने गोन्या हाँ। मेरा मरवा भी सके है, वो अदली खां बहुत खतरनाक बताया। मुझे पता है तू सो चोरों का एक चोर है। हाँ। तन्ने कुण मारे है। अच्छा हाँ। ठीक है फिर मैं जाऊंगा, मतलब लाडू खाने में और ये जूते खाने। सजनो हाँ। फैसला हो गया, नर सुल्तान गया मरवण का भात भरने और वहीं से जानी चोर जाता है नार महक दो को छुटवाने के लिए। क्या कहानी बनी? अपने घोड़े पर चढ़ के नर सुल्तान चला गया। जानी चोर को पता नहीं कि कहां जाना है, लेकिन जानी चोर बड़ा सातिर था। जिस प्रकार कोई पहलवान हो तो बजरंग बली का नाम सुमरता है, गाने वाला हो माता सरस्वती को सुमरता है, लेकिन जो असली चोर होता है, डाकू होता है, उसकी भी एक देवी बनाई है। हाथ जोड़ लिए। अरे जानी चोर नहीं लाज की देवी मात मनाई जी। ओ देवी मात मनाई जी, ओ देवी मात मनाई जी। नार महक दलावण खातर चलिया देवल गढ़ की राही जी। नार महक दलावण खातर चलिया देवल गढ़ की राही जी। नार महक दलावण खातर देवल गढ़ की राही जी। अपने मन में सोच रहे क्या कि जो दुखिया के दुख निरवा लेंगे, न इससे बड़ी कमाई जी, न इससे बड़ी कमाई जी, न इससे बड़ी कमाई जी। आगे सीने चल करके, आगे सीने चल करके उस डाकू दिए दिखाई जी। आगे सीने चल करके उस डाकू दिए दिखाई जी। आगे सीने चल करके उस डाकू दिए दिखाई जी। देवलगढ़ की राई में जानी चोर गया, एक बनी आई, बनी बनी में चारों तरफ से डाकू चोरों ने घेर लिया जानी चोर। जानी चोर को लूटने लगे तो जानी चोर कहता, हाँ भाई के करोगे? बोले तने पिटेंगे, तने मारेंगे, तने लूटेंगे। जानी चोर कहता, भाई एक बात बताओ, तुम किसके चेले हो? थारा कोई गुरुजी भी है? डाकू कहते, है क्यों ना, हमारा गुरु है, पर हमने वो देखा कौन, उसके नाम तक खाक मारे है। बोले कौन है थारा गुरु? बोले मारा गुरु से जानी चोर। जानी सामने खड़ा है, बोले तुमने देखा जानी? बोले नहीं देखा। बोले उल्लू के पट्टो मैं ही जानी हूं। अरे डाकू पाया मैं गिर पड़े, मिल जानी ते हो के राजी, मिल जानी ते हो के राजी, मिल जानी ते हो के राजी। फिर आगे सीने चल करके उसे तीन मिले भाई बाबा जी। आगे सीने चल करके उसे तीन मिले भाई बाबा जी। आगे सीने चल करके उसे तीन मिले भाई बाबा जी। थोड़ी आगे गया, तीन बाबा जी और तीन वागा डुंडा बाजरा। वो उखी जटा ने पाड़े, वो उसकी डाढ़ी ने पाड़े। बात समझ में नहीं आई। तीनों बाबा जी मरण कटने तैयार हो रहे और जानी जानी लुक के देखे केक रहे बाबा जी। जानी तीनों बाबा जी के पास गया, तीनों छुटाए अलग हो। और जानी बोलिया, मैं घनी देर का देख रहा, समझ कोन्या आई बाबा जी, कोन्या आई बाबा जी, कोन्या आई बाबा जी। हर कौन चीज पे रोड़ा से क्यों करो लड़ाई बाबा जी, कौन चीज पे रोड़ा से क्यों करो लड़ाई बाबा जी, कौन चीज पे रोड़ा से क्यों करो लड़ाई बाबा।
बाबा कहते हैं तीन बाबा कि भाई हमारी जो लड़ाई है वो इस बात पे है कि हमारा गुरुजी मर गया। जो हमारा तीनवा का गुरुजी था वो गया मर। जानी बोले अरे पागलो बाबा किसे आदमी हो तुम, थारा गुरु मर गया और तुम लड़ो हो। बोला मन्यू ना लड़े है, हम इसलिए लड़ते हैं कि गुरुजी कने तीन चीज है, तीन गुरुजी कने तीन को ना चार चीज है और बाबा हम तीन एक एक बाटे में नहीं आ रही। हम न्यू चावे है हम तीनवा में थे कोई भी वे चारों चीज एक ले एक ला बाबा जी ले जा। और वे चार चीज कौन कौन सी? पहली सोटा, समझना मेहरबानो गुरुजी की चार चीज, पहला सोटा, दूसरी कुंडी। सोटे का काम बता, सोटे में क्या चमत्कार है? सोटे में यो चमत्कार, सोटे ने न्यू कह दे न्यू सोटे इसने छेद दे से 100 आदमियों दे बड़ा बड़रंगा ही कर देगा, अपने आप ही फिट बना दे है। हाँ। और दूसरी? दूसरी है कुंडी। कुंडी का क्या काम? कुंडी का यो काम उसने न्यू कह दे न्यू कितने आदमियों का खाना और फलानी चीज लिकड़ का आ जाएगी। तीसरी चीज? तीसरी चीज है ज्ञान गुदड़ी। ज्ञान गुदड़ी का क्या काम? ज्ञान गुदड़ी के दो काम है। क्या? एक तो वो उस तक कोई भी बात पूछ लो तेरा समझ में नहीं आ रही हो तो भाई फलानी जगह की थी या फलानी चीज कोई भी बात वो पूछ लो। और दूसरा काम यो उसने ओढ़ के और किसाए बेस बना लो। और चौथी चीज? चौथी चीज है फावड़ा। फावड़ा कट फावड़ी, कट फावड़ी। हाँ उसका यो काम है उस पर बैठ कर नू कह देना फलानी जगह लेकर चाल एक मिनट में लिया जाएगी। मतलब हेलीकॉप्टर है। हाँ। समझ गए चारों चीज। अब जानी ने दिमाग लगाया और जानी कहता है हाथ जोड़ कर कह रहा मत लड़ो तम फकीर जी। ओए लड़ो मत ना फकीर जी, तम लड़ो मत ना फकीर जी। ये चारों चीज उसे मिल जा जो पहलम लावे मेरा तीर जी। चारों चीज उसे मिल जा जो पहलम लावे मेरा तीर जी। ये चारों चीज उसे मिल जा जो पहलम लावे मेरा तीर जी। जानी बोले बाबा क्यों लड़ो हो, एक मिनट में थारा रोड़ा सुल जाए। बोले क्यों कर? बोले मैं तीर छोड़ दूंगा और तीनों बाबा मैं जोन सा मेरे तीर को पहले ठा के लावेगा उसकी ये चारों चीज उसकी है। बोले ठीक से भाई मान ली तेरी बात। सजनों जानी ने तीर छोड़ा और तीनों बाबा जी तीर के पाछे पाछे। अरे छड़िया जानी चोर ने बका लिए दरवेश जी। ओ बका लिए दरवेश जी, बल बका लिए दरवेश जी। और बाबा तो गए तीर के पीछे वे चारों चीज समेट के और वह कटफाड़ी दोनों टांग के बीच में ली और निबलिया मेरे गुरु की कट फावड़ी चलो, मेरे गुरु की कट फावड़ी चलो अदली खा के देश जी। मेरे